हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज के बारे में। एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट, सोशल साइंस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप एडुकेशनल गुरु के वेबसाइट को विजिट कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसके प्लेलिस्ट को भी चेक करें। मैंने इन दोनों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। तो चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ड्रेनेज का मतलब। ड्रेनेज यानी अपवाह का अर्थ मीनिंग होता है इट डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि अपवाह किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट है हमारा ड्रेनेज बेसिन, किसे कहते हैं? अलग अलग डायरेक्शन से छोटी छोटी स्ट्रीम्स आकार एक साथ मिलकर एक मेजर रिवर बनाती है। और लास्टली ये एक लार्ज रिवर जैसे लेक्स और सीज और ओशंस में जाके मिल जाती है। और एक ऐसी एरिया जहां एक सिंगल रिवर ड्रेन्ड यानी बहती है, उस सिंगल रिवर सिस्टम को हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अब कोई भी एलिवेटेड एरिया यानी ऊंचा एरिया जैसे माउंटेन या फिर अपलैंड, दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को एक दूसरे से अलग करती है। और इस टाइप के अपलैंड को हम वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स यानी भौगोलिक शेप्स के द्वारा होता है। और इसीलिए इंडिया के रिवर्स को टू मेजर ग्रुप में बांटा गया है। नंबर वन द हिमालयन रिवर, हिमालय की नदियां, और सेकेंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय से निकलने वाले रिवर्स ज्यादातर सालों साल बहती रहती है, यानी द हिमालयन रिवर्स फ्लोज थ्रू आउट द ईयर्स, और इसीलिए इन रिवर को पेरिनियल रिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, और द ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ये रिवर दोनों रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, यानी कि ये दोनों रिवर माउंटेन के उत्तर साइड से निकलती हैं। ये रिवर्स माउंटेन्स को काटकर एक गॉर्जेस का निर्माण करती है, ये रिवर अपने साथ काफी सिल्ट और सैंड को अपर कोर्सेस यानी ऊपरी लैंड से बहाती हुई ले जाती है। पेनिनसुलर रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो बहती हुई चली जाती है। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, दी गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र रिवर्स। और ये रिवर्स काफी लंबी होती है और इन रिवर्स में कई सारे छोटे छोटे नदियां ट्रिब्यूटरीज इनमें मिल जाती है। एक रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक रिवर्स नदियों को रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर और वेस्ट की तरफ बहती हुई इंडिया के जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। इंडस सिंधु रिवर बलूचिस्तान एंड गिलगित से फ्लो करती हुई अटाक में माउंटेन से होती हुई बाहर निकल जाती है। सतलज, बीज, रवि, चेनाब और झेलम सब मिलते हैं आपस में और पाकिस्तान में मिथानकोट के पास इंडस रिवर में मिल जाती है। फिर ये नदी साउथ की तरफ बहती है और लास्टली कराची से ईस्ट की तरफ अरेबियन सी में मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। इंडस रिवर वर्ल्ड की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है, अबाउट 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट है द गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में जाके मिलती है। हिमालय से निकलने वाली कई सारे रिवर्स गंगा में मिलती है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी है। यमुना रिवर हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है
और ये रिवर गंगा के राइट साइड इसके पैरेलल बहती रहती है और अलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर और अंबाला से सुंदरबन की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। लास्ट है हमारा द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इट राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक और इंडस और सतलज के सोर्सेस के काफी क्लोज नजदीक से गुजरती है। इसकी लंबाई इंडस रिवर से कुछ ज्यादा है, लेकिन इसकी ज्यादातर कोर्सेस इंडिया से बाहर ही है। ये रिवर बरवा जिसकी हाइट 7757 मीटर है, यहां पहुंचकर ये इंग्लिश लेटर यू जैसा शेप बनाकर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्जेस के हेल्प से एंटर करती है और यहां पर इसे दिबंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दी पेनिनसुलर रिवर से। आई होप आप लोगों को यहां तक अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। थैंक यू।